नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में 4-1 से हराकर जहां हर भारतीय का दिल खुश कर दिया है, वहीं न्यूजीलैंड से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आ रही है। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के एक खिलाड़ी हरीश गंगाधरन की बीते शनिवार क्रिकेट के मैदान पर मौत हो गई, जब वो अपने क्लब के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। ये मैच न्यूजीलैंड के डूनेडिन शहर में खेला जा रहा था। 33 साल के गंगाधरन ने 2 ओवर गेंदबाजी करने के बाद सांस लेने में दिक्कत की बात कही। फील्डिंग के दौरान ही वो मैदान पर गिर गए। साथी खिलाड़ियों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। उनकी पत्नी निशा हरीश और उनकी 3 साल की बेटी इस घटना के बाद सदमे में है। ग्रीन आइसलैंड क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट जॉन मोयल ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा, इस घटना के बाद से टीम के सभी खिलाड़ी सदमे में है। गंगाधरन टीम के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी की शुरुआत करते थे। इस क्लब की स्थापना 1930 में की गई थी। गंगाधरन कोची से ताल्लुक रखते थे और 5 वर्ष पहले न्यूजीलैंड में आकर बस गए थे। खिलाड़ी साइरस बार्नाबास ने बेहद भावुक होते हुए मैच के बारे में बात करते हुए गंगाधरन की वो 3 बातें बताई जो उन्होंने मैच से पहले कही थी। गंगाधरन ने कहा था कि कम से कम 250 का स्कोर बनाएंगे, पूरे 50 ओवर खेलेंगे और कोई एक खिलाड़ी शतक लगाएगा।